अस्सलाम वालेकुम फैमिली, हाउ आर यू ऑल। होप करते हैं भाई सभी ठीक होंगे। सो फैमिली, आज का जो डे है वो है सैटरडे 25 फरवरी 2023। मैंने आज से 3-4 हफ्ते पहले एक आज दो व्लॉग बनाए थे जिसमें मैंने ट्राई करा था आर्नोल्ड का बाइसेप और ट्राइसेप का वर्कआउट और रोक का बाइसेप और ट्राइसेप का वर्कआउट, मिक्स थे इन दोनों के वर्कआउट। तो जो मैं आज वर्कआउट ट्राई करने वाला हूँ वो है वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट इन द हिस्ट्री ऑफ बॉडी बिल्डिंग। सो आज मैं किसका ट्राई करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ रोनी कोलमैन सर का बाइसेप का वर्कआउट ट्राई। अब तो बोलेंगे भाई ये शख्स कौन है, रोनी कोलमैन नाम तो तू ऐसे ले रहे, तेरा भुप्पा का बेटा लगता है। सो भाई भुप्पा का बेटा लगता तो आई लव यू तक मैं यहाँ नहीं होता अगर रोनी को मैं भुप्पा का बेटा होता। सो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, थोड़ी उनकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में तुम्हें बता देता हूँ रोनी कोलमैन सर कौन थे और मैं आज उनका बाइसेप का वर्कआउट क्यों ट्राई करने वाला हूँ। मुझमें ऐसा कौन सा पिन काट गई हो मैंने उनका बाइसेप का वर्कआउट ट्राई करने का सोचा। सो मैं तुम्हें समझाता हूँ कौन थे वो। अगर बॉडी बिल्डिंग में कोई किंग है तो वो सिर्फ रोनी कोलमैन सर है और वो एक लेजेंड भी थे। इस वजह से लेजेंड नहीं थे कि उन्होंने एक वक्त पे इतनी अच्छी, ये नज़र आ रही है कि तुम्हें इतनी अच्छी फिजिक्स बनाई थी, इस वजह से वो लेजेंड थे कि उन्होंने 12-13 सर्जरियाँ बैकबोन के होने के बावजूद उन्होंने अपना वर्कआउट उसी डेडिकेशन से कंटिन्यू रखा और करते हैं आज भी। रोनी कोलमैन ने मिस्टर ओलंपिया का टाइटल 8 बार अपने नाम जीता था। 90s के ज़माने में मास मॉन्स्टर कहा जाता था, उनसे बड़ा बॉडी बिल्डर कोई भी नहीं था उस वक्त के दौर में और आज भी कोई भी नहीं होगा भाई, इतना बड़ा भरोसा है मुझे रोनी कोलमैन पे। सो माने कि वो नेचुरल नहीं था, उन्होंने थोड़ा बहुत स्टेरॉइड्स वगैरह का यूज़ किया था। सो भाई आज के लोग स्टेरॉइड्स का यूज़ तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन वो आज भी उतने बड़े मॉन्स्टर नहीं बन पाते जितने बड़े वो थे। सो उनके पास कुछ जेनेटिक्स का कमाल था, कुछ हार्डवर्क का और कुछ। सो अभी टाइम हो चुका है 5:30 और जाऊंगा मैं 6 बजे तक के जिम और आज करूंगा रोनी कोलमैन का बाइसेप का वर्कआउट ट्राई। और उनका नाम सुनते ही एक डायलॉग तो ज़रूर सबके जहन में आता है और वो आज भी बॉडी बिल्डिंग के हिस्ट्री में यूज़ होता आ रहा है, वो है लाइट वेट बेबे ट्राई। और फिर तुम्हें मैं बताता हूँ ये वर्कआउट कैसा था, तुम्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, 10 आउट ऑफ रेटिंग दे देंगे फिर पता तो चल ही जाएगा। और तुम लगा ना मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा पोर्ट ग्रैंड का, मैं आई बटन में लिंक लगा दूंगा तो जाके ज़रूर देखना। और मैं बाइस और मैं आर्नोल्ड सर का और रोक सर का भी आई बटन पर लिंक लगा दूंगा तो वो भी देख लेना। सो भाई ये है अपने वर्कआउट की तीसरी एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज जो है नेचर ईजेड बार कल। सो शुरू करता हूँ फिलहाल।
नाइस हो गई है डन, और अब चलते हैं डायरेक्ट घर। मैं घर पर सो भी, जो टाइम हो रहा है, मैं गया था जिम 8 बजे और लौटा हूँ 10 बजे। अरे की साइज थी तो भाई मेरी नज़र में ये, इसको मैं देना चाहूँगा 10 out of 9, क्योंकि एक नंबर में इस वजह से काट रहा हूँ क्योंकि अगर ये पेचर से पहले केबल कर लगते ना तो ज़्यादा बेहतर थी, या शुरू में पेचर रखते फिर एंड में स्टैंडिंग बार कर रखते तो ज़्यादा अच्छा था। फिलहाल ये रोनी कोलमैन सर का वर्कआउट तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर यस में दोनों हेड कंप्लीट उन्होंने ट्रेन करे, दोनों हेड की कंप्लीट एक्सरसाइज थी दोनों, सो मेरी नज़र में बेस्ट था VIP वर्कआउट था, तो उसको तुम ऐड कर सकते हो अपने बाइसेप के वर्कआउट में अगर करते हो ऐड, अगर करा हुआ है पहले से ऐड तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना कौन सी, और ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। टोनी कोलमैन सर का आने वाले कुछ टाइम में ट्राइसेप का भी वर्कआउट लाऊंगा, अगर ट्राइसेप के वर्कआउट को देखने के लिए अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि वो व्लॉग तुम्हें आराम से मिल जाए।